हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्यूटली फाइन। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, जब भी आपको स्नैप आती है किसी की भी, तो यहाँ पर गाइस स्नैप की नोटिफिकेशन तो आती है गाइस, लेकिन यहाँ पर अंदर जब जाएंगे आप तो स्नैप नहीं दिखती गाइस। तो इसे कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो ध्यान से दिखेगा, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। अगर गाइस आप स्किप करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस, क्योंकि मैं ऐसे डिप के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गाइस यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर आपको सबसे पहले आपको इंटरनेट कनेक्शन जैसे वो बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी जो फ़ोन की सेटिंग है इसके अंदर चले जाना है। तो ध्यान से देखिएगा गाइस इन स्टेप्स को, अगर आप एक भी स्टेप्स छोड़ देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। तो ऐप्स में जाइए, आप हर एक फ़ोन में रहता है गाइस ऐप्स। इसके अंदर जाने के बाद गाइस यहाँ पर आपको स्नैपचैट सर्च कर लेना है। यहाँ पर आपको स्नैपचैट के अंदर चल जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फोर स्टॉप कर लेना होगा, ओके कर लेना होगा, मोबाइल डेटा में जाना होगा। इसके बाद ऑल बैकग्राउंड डेटा यूसेज ऑन है या नहीं देख लेना है, अगर ऑफ रहेगा तो ऑन कर लीजिए। इसके बाद बैक आ जाइए, बैक करने के बाद बैटरी में जाइए। इसके बाद यहाँ पर ऑल बैकग्राउंड एक्टिविटी ऑन कर दीजिए, अगर ऑफ होगा तो ऑप्टिमाइज बैटरी यूसेज इसे ऑफ कर दीजिए, स्नैपचैट यहाँ पर सर्च करके ऑफ कर दीजिए। यहाँ से ऑल करना होगा, पहले बैक कर जाइए। इसके बाद यहाँ पर स्टोरेज में जाइए आप। इसके बाद क्लियर कैच कर लीजिए। क्लियर कैच करने के बाद गाइस क्लियर डाटा मत कीजिए, वरना फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा। बैक कर जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको प्ले स्टोर पर चल जाना है, स्नैपचैट सर्च कर लेना है, फिर यहाँ से आपको अपडेट कर लेना होगा गाइस। तो गाइस यहाँ पर कैसा होता है, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन आ रही होगी, लेकिन अंदर जब जाएंगे आप स्नैपचैट में तो यहाँ पर आपको मैसेज दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो यहाँ पर बग वगैरह रहते हैं, प्रॉब्लम्स वगैरह रहते हैं गाइस, तो यहाँ पर ये अपडेट में सॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे कर लेना है आपको स्टेप्स, जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ पर अपडेट कर लीजिए जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।